हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक, और वो है मेजर माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की जो चोटियां हैं वो हमने आज कवर करनी है। सो उनके बारे में पढ़ेंगे, लोकेशंस देखेंगे, और जहां जहां ज़रूरत होगी ट्रिक टेक्निक लगा करके उनको याद भी करते चलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, या दो कैटेगरीज में पढ़ाई करेंगे। पहले हम देखेंगे सेवन समिट्स को। नाउ व्हाट आर दी सेवन समिट्स, अभी हम आगे देखेंगे। और फिर हम देखेंगे 14 8000ers, यानी कि 14 ऐसी माउंटेन पीक्स जो कि 8000 मीटर से ज़्यादा हाइट अटेन किए हुए हैं। ऑलराइट, सो ये दोनों अभी एक एक करके देखेंगे और इस पर भी हम बाद में आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेवन समिट्स के साथ। क्या है ये सेवन समिट्स? सो आपको पता है सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। सो हर एक कॉन्टिनेंट की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको इस सेवन समिट वाली कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। और बहुत सारे माउंटेनियर्स कोशिश करते हैं सेवन समिट्स को फतेह करने की, कि हमने सारे सेवन समिट्स जीत लिए हैं या चढ़ लिए हैं एक्सपेडिशंस जो जाते हैं। सो सेवन समिट्स आर हाईएस्ट पीक्स ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया की हाईएस्ट पीक, यूरोप की हाईएस्ट पीक, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हर एक की हाईएस्ट पीक को टोटल क्या कहा जाता है? सेवन समिट्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ऑलराइट, अब देखते हैं। सबसे पहले हम एशिया पे मूव करेंगे। एशिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? वर्ल्ड फेमस है ना, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सो सबसे पहले जो सेवन समिट में हमको पीक देखनी है वो है माउंट एवरेस्ट। और इन सारे सेवन समिट्स में से हाईएस्ट माउंटेन पीक भी ये है, वर्ल्ड की भी हाईएस्ट माउंटेन पीक यही है। आप किसी भी कैटेगरी में देख लीजिएगा तो माउंट एवरेस्ट ही हाईएस्ट माउंटेन पीक होगी। कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में। अब कौन सी रेंज में लाए करती है? देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीक, माउंटेन पीक एंड माउंटेन रेंज। मैं बिल्कुल बेसिक तरह से लेक्चर ले रही हूँ ताकि अगर कोई न्यूबीज भी हैं जो पहली बार ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे समझ रहे हैं तो उनको भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है माउंटेन पीक का, एक होती है माउंटेन, और एक कॉन्सेप्ट होता है माउंटेन रेंज का। सो रेंज से शुरुआत करते हैं। माउंटेन तो आपको पहाड़ पता है, पहाड़ जो होता है उसको माउंटेन कहा जाता है। इस पहाड़ की जो शिखर होता है, शिखर या चोटी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, इसको कहा जाता है पीक, माउंटेन पीक। माउंटेन रेंज क्या होता है? जब बहुत सारी माउंटेन्स एक श्रृंखला में या एक चेन में बनी हुई होती हैं तो उनको माउंटेन रेंज कहा जाता है। ऑलराइट, जैसे हिमालयाज एक माउंटेन रेंज है और उसमें अन्नपूर्णा माउंटेन्स एक माउंटेन्स हो गई, ठीक है। सो अब माउंट एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज में आता है, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, क्या हाइट है इसकी? 8848.86 meters अबव द सी लेवल, यानी समुद्र तट से इतनी ऊंचाई ये रखता है। कहाँ लोकेटेड है? नेपाल चाइना बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। नेपाल चाइना बॉर्डर लोकेशन यहाँ देख लीजिए, इस जगह पे, अच्छा रेड मार्कर है इसलिए नहीं चल रहा है, इस जगह पे ये लोकेटेड है। पेरेंट रेंज क्या है? अब हिमालयन रेंज में भी, हिमालयन इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, हिमालयन रेंज में भी अब छोटी छोटी फर्दर रेंजेस हैं, तो महालंगूर हिमल रेंज इसकी इमीडिएट पेरेंट रेंज है, यानी कि हिमालयन रेंज में पड़ती है महालंगूर हिमल रेंज, और इस महालंगूर हिमाल रेंज में एक शिखर है माउंट एवरेस्ट। ओके, चलिए, तो लंगूर जो होते हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए फेमस है ना, अलग अलग शिखरों पे चढ़ जाते हैं, तो ये सबसे ऊंची चोटी है तो लंगूर भैया ही चढ़ सकते हैं, तो महालंगूर हिमाल में ये स्थित है। लोकल नेम क्या है इसका? सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में, और चोमुलंगमा कहा जाता है तिब्बत साइड में, जो चाइना का पार्ट है तिब्बत वो उधर, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरे हिमालयाज है और इसमें यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट लाई करता है। मूविंग ओवर टू अकोंकागुआ, कौन सी माउंटेन पीक हमको पढ़नी है? अकोंकागुआ। अभी रिसेंटली हमने अमेरिकाज खत्म किए हैं, अकोंकागुआ पढ़ा ही था, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो अकोंकागुआ जो माउंटेन पीक है, सबसे पहले तो ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा होगा यहाँ इसकी लोकेशन है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है साउथ अमेरिका। और ये कौन सी माउंटेन रेंज पे लाए कर रहा है? ये लाए कर रहा है एंडीज माउंटेन रेंज पे, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है। ओके, सो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पे हाईएस्ट पीक, जो इस पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है? अकोंकागुआ।
अकॉन्कागुआ। और कितनी हाइट है इसकी, 6959 मीटर्स है। और अच्छा, अब इसकी खास बात क्या है, एशिया के बाहर सबसे हाईएस्ट पीक अगर कोई है तो माउंट अकॉन्कागुआ है। यानी कि एशिया में बहुत सारी हाई पीक्स हैं। अभी हम देखेंगे कि जो टॉप 14 हमने अभी 14 ऐसी 8000 की बात की थी ना, जो 8000 मीटर से ऊंचाई रखती हैं, वो सब एशिया में आती हैं। सो एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे नहीं है, लेकिन एशिया की सारी माउंटेन रेंजेस हटा दीजिए, माउंटेन पीक्स हटा दीजिए, उसके बाद एशिया से बाहर निकलते अगर कोई हाईएस्ट माउंटेन पीक है तो वो कौन सी है, माउंट अकॉन्कागुआ। तो अगर एशिया से बाहर की पीक पूछी जाए या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर की सबसे ऊंची माउंटेन पीक पूछ ली जाए, अर्थ है, अर्थ में ये जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के इस साइड ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, और जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर होता है। तो एशिया यहाँ पे लाइक करता है ना, और इंडिया यहाँ पे लाइक कर रहा है। तो इस साइड तो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी हो गई, अकॉन्कागुआ। सो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक आउटसाइड एशिया, तो भी आंसर अकॉन्कागुआ होगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक आउटसाइड हिमालय एंड काराकोरम, क्योंकि एशिया में सबसे ऊंची पहाड़ के शिखर या चोटियां कौन सी माउंटेन रेंजेस में मिलती हैं, काराकोरम और हिमालयाज में। सो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बाहर अगर कोई हाईएस्ट पीक है तो भी अकॉन्कागुआ आंसर होगा। और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर पूछ लिया जाए, ये लिखिए ना, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बाहर भी अगर कोई चोटी है तो यही है। ओके, चलिए अब ये कहाँ लोकेटेड है, ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है, ये पूरा अर्जेंटीना है और यहाँ पे लोकेटेड है, और ये पूरा चिली है ना, तो चिली के बॉर्डर के पास में अर्जेंटीना में लोकेटेड है। और इसकी पेरेंट रेंज क्या है, एंडीज है, जो कि लॉन्गेस्ट है, 7000 किलोमीटर्स लॉन्ग। ऑलराइट, चलिए अभी तक किसी टेक्निक की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं दे रही हूँ, जरूरत नहीं होगी तो जबरदस्ती ट्रिक टेक्निक पे नहीं मूव करेंगे, समझते जाओ। मैप सामने है, ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्निक होती है, विजुअल इफेक्ट। सो थर्ड नंबर पे जो पीक आएगी वो है माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली, इसको एक और नाम से जाना जाता है, माउंट डेनाली। यस, अभी इधर लिखा हुआ भी है, अदरवाइज आपको ये रहा माउंट डेनाली। माउंट डेनाली एग्जाम में दे दिया जाए या माउंट मैकिनली ऑप्शन में दे दिया जाए, दोनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हो। कहाँ पर आएंगे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। कितनी इसकी हाइट है, 6194 मीटर। सो सेवन समिट्स में थर्ड नंबर की ऊंची चोटी ये है। सबसे पहली एशिया में है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर की अकॉन्कागुआ, माउंट अकॉन्कागुआ साउथ अमेरिका में, तीसरे नंबर पे आती है माउंट मैकिनली या माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका में। और इसकी जो पेरेंट रेंज है वो है अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। यहाँ कई बार बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका सुनते ही सबसे पॉपुलर माउंटेन रेंज जो दिमाग में आती है वो आती है रॉकी माउंटेन्स, लेकिन रॉकी माउंटेन्स यहाँ पर हैं, है ना, रॉकी माउंटेन्स यहाँ है। ये जो रेंज आपको दिख रही है, दिस इज अलास्का रेंज, और अलास्का रेंज पे ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये है माउंट मैकिनली या माउंट डेनाली। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा इसको, लोकेटेड है अलास्का के अंदर। अब देखो ये जो अलास्का है ये एक स्टेट है यूएस अमेरिका का, यूएसए का ही है ना, तो ये वाला हिस्सा कनाडा आ जाता है, यहाँ पे अमेरिकाज, और उसका एक जो स्टेट है अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही हिस्सा है ये। तो ये तो आपको हालांकि अभी इससे रिलेटेड याद नहीं रखना है, पर सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो माउंटेन पीक है ये अलास्का रेंज में, अलास्का स्टेट में आती है, और इसका नाम है माउंट मैकिनली। पेरेंट रेंज इसकी क्या है, अलास्का रेंज है। ओके, अब फोर्थ नंबर का सेवन समिट जो हम पढ़ेंगे वो है माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस। यूरोप का फिजिकल मैप याद करिए थोड़ा सा, नहीं देखा वापस कोई बात नहीं, आ जाओ चलो, कहाँ पर है ये, यूरोप में है। ये कन्फ्यूजन अगर थोड़ा बहुत भी है कि मैम ये एशिया में आता है यूरोप में आता है, तो कन्फ्यूज मत होना, मैं अभी क्लियर करूंगी। माउंट एल्ब्रस लाइज इन यूरोप, ई से एल्ब्रस, ई से यूरोप, ध्यान रखिएगा, माउंट एल्ब्रस इज इन यूरोप। और कौन सी इसकी पेरेंट माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन्स, कुछ याद आ रहा है अगर पहले पढ़ा हुआ है, कॉकेसस माउंटेन्स कहाँ लाए करते हैं, कॉकेसस माउंटेन्स बेसिकली ये जॉर्जिया आता है और ये अजरबैजान आता है, लोकेशन यहाँ देखिए, ये जॉर्जिया, ये अजरबैजान, ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा एशिया में काउंट होता है, जो ये येल्लो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा यूरोप है, ये पार्ट भी रशिया है,
और ये पार्ट भी रशिया है, ओके okay? पूरा नहीं, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर ऊपर का रशिया है, ये यहाँ तक का रशिया है। सो अब ये चीज़ समझिएगा, कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाद्वीप। क्या कहा जाता है? महाद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड को। और आपको पता है आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसा लैंडमास है जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। यस, तो महाद्वीप, द्वीप हर तरफ से पानी से घिरा है, तो महाद्वीप क्या होता है? वही, बस बड़ा होना चाहिए लैंडमास जो कि हर तरफ से पानी से घिरा हो लेकिन बहुत बड़ा हो, उसको महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट समझ में आया? ह्यूज लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर। आइडली, आइडली अगर आप हिंदी के नाम से जाओगे तो यही होना चाहिए। अब अगर आपको वर्ल्ड मैप कहीं पे दिखे, चलो हम कोशिश करते हैं यहाँ से दिखाने की। देखो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आप देखो ऑलमोस्ट हर तरफ से पानी से घिरा है, ये नॉर्थ अमेरिका आप देखो हर तरफ से पानी से घिरा है, ऑस्ट्रेलिया हर तरफ से घिरा हुआ है ही, जो अफ्रीका है वो भी हर तरफ से ऑलमोस्ट घिरा हुआ है, लेकिन ये जो यूरोप और एशिया है, ये देखो जहाँ पे एशिया ख़त्म हो रहा है, जहाँ से यूरोप शुरू हो रहा है, बीच में कहीं कुछ पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इन दोनों के आसपास पानी है लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ज़्यादा वाटर्स नहीं है, और इस चक्कर में इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट के तौर पर डिफाइन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज्योग्राफर्स ने क्या किया कि एक नोशनल बाउंड्री क्रिएट कर दी जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री की तरह काम करती है। उन्होंने, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको दिख जाएगा, उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे एक माउंटेन्स आती है जिन्हें बोलते हैं यूराल माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन्स। इन यूराल माउंटेन्स को एक तो बाउंड्री ली कि यूराल माउंटेन के ईस्ट में जो एरिया है वो एशिया का होगा और जो वेस्ट में है वो यूरोप का होगा। फिर अब बात ख़त्म नहीं हुई, तो देखो ये एक वाटर बॉडी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं कैस्पियन सी, और ये दूसरी वाटर बॉडी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं ब्लैक सी। यस, थोड़ा जूम करें या रहने दें, दिख रहा है आपको? आई थिंक दिख रहा होगा, है ना। सो ये यूराल माउंटेन्स, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी। अब कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच का हिस्सा, ये देखो ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, इसके बीच का ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यही जूम कर रखा है हमने यहाँ पे। सो अब इसके बीच में यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आती हैं जिनको कहा जाता है कॉकेसस माउंटेन्स। तो ये भी यूरोप और एशिया के बीच में डिवाइड, डिस्टिंक्शन क्रिएट करने का काम करती हैं। और जो हम माउंटेन पीक पढ़ रहे हैं, माउंट एल्ब्रस, वो कॉकेसस माउंटेन के बिल्कुल ऊपर की साइड यानी कि अंदर की साइड टुवर्ड्स यूरोप पड़ता है, टुवर्ड्स एशिया नहीं पड़ता। इस पॉइंट के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है, ये देखिए ऐसे समझिए, ठीक है? अब समझिए, ये सारा हो जाएगा यूरोप और ये सारा हो जाएगा एशिया। तो ये जो कॉकेसस माउंटेन के अंदर की साइड में टुवर्ड्स यूरोप जो माउंटेन पीक पड़ती है वो है माउंट एल्ब्रस, और इसलिए ये है यूरोप में। इतने ढंग से समझा दें, आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हाईएस्ट पीक है यूरोप की 5642 meters, लोकेटेड इन रशिया। अब रशिया को लेके कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों के कमेंट्स देखते हैं, मैम रशिया यूरोप में है या रशिया एशिया में? रशिया दोनों जगह है, रशिया दोनों जगह है। रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और काफ़ी सारा हिस्सा एशिया में पड़ता है क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया गया है, ओके। चलिए फिर इसकी पेरेंट रेंज क्या है? कॉकेसस माउंटेन्स। कॉकेसस ये पढ़ते पढ़ते आ जाएगा जुबान पे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो कॉकेसस माउंटेन्स है वो कन्वेंशनल बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया के बीच में, ओके। चलिए, जो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सबसे नंबर वन पे था माउंट एवरेस्ट एशिया में, फिर माउंट अकॉन्कागुआ साउथ अमेरिका में, माउंट मैकेनली नॉर्थ अमेरिका में, फिर हमने देखा माउंट एल्ब्रस यूरोप में। अब फिफ्थ नंबर के 7 समिट पे हम आते हैं, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो याद आ रहा है कुछ? अफ्रीका, अफ्रीका। सो ये है अफ्रीका और इसके ईस्ट साइड में प्लेट्यू रीजन पड़ता है, पठार वाला हिस्सा, और यहाँ पे एक पहाड़ एकदम अकेला खड़ा हुआ है इस पूरे पठार यानी प्लेट्यू हिस्से में, एक ऊंचा सा पहाड़ है और वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, इट इज किलिंग एवरीबडी विथ जेलेसी के, अरे हम सब तो छोटी हाइट के रह गए, तुम इतने लंबे कैसे हो गए? पूरे परिवार में कोई एक ही लंबा निकल जाए ना, तो ये वो वाली हालत है इसकी। सो इट इज किलिंग एवरीबडी एल्स ना, सो किलिमंजारो। अब इसकी हाइट कितनी है? 5895 meters, अफ्रीका में है। इसकी कोई माउंटेन रेंज नहीं लिखी मैंने,
क्यों? क्योंकि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ये किसी रेंज को बिलोंग नहीं करता, कोई श्रृंखला नहीं है आसपास, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, कोई श्रृंखला नहीं है, ये अकेला एक माउंटेन है। और इसलिए वर्ल्ड का, ये ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाता है तो माउंट किलिमंजारो होगा। माउंट एवरेस्ट भी नहीं आएगा उस केस में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट फ्री स्टैंडिंग नहीं है, वो एक रेंज का हिस्सा है। और ये फ्री स्टैंडिंग है, ये की वर्ड है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। पूछा जाए कि फ्री स्टैंडिंग माउंटेन पीक या माउंटेन रेंज जो सबसे ऊँचा हो, तो आंसर क्या आएगा, किलिमंजारो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और पेरेंट रेंज इसकी कोई से भी नहीं है, और लोकेटेड कहाँ है, तंजानिया में। तो तंजानिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पूछी जाए, या अफ्रीका की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक पूछी जाए, या वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन पीक पूछी जाए, तो सबका आंसर क्या होगा, माउंट किलिमंजारो। ग्रेट, चलिए फिर हम आ जाते हैं सिक्स्थ नंबर पे। और अब कौन सी माउंटेन पीक है, विन्सन मैसिव। विन्सन, ये आई वन, ऐसे वाला विन होता है ना, विन वाली फीलिंग, उससे आप ध्यान रख सकते हो। विन्सन मैसिव है एंटार्क्टिका में। यस, तो ये एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका में ये पोजीशन जो आपको रेड दिख रही है, दिस इज विन्सन मैसिव। और ये कौन सी माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, एल्सवर्थ माउंटेंस। एल्सवर्थ माउंटेन, विन वर्थ, वर्व वाला साउंड आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से हिंट पकड़ सकते हैं। एंड विनिंग इज ऑलवेज वर्थफुल ना, आप जीतते हो तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है, तो उससे भी आप जोड़ सकते हो। नाउ एंटार्क्टिका में भी देर आर माउंटेन्स, बर्फ़ से ढके हुए, एकदम कोल्ड डेजर्ट है ही वो पूरा एरिया। सो उधर की हाईएस्ट पीक है ये 4897 मीटर्स, पेरेंट रेंज है सेंटिनल रेंज। एल्सवर्थ माउंटेन्स की भी एक माउंटेन रेंज है, सब रेंज सेंटिनल, ओके। और एल्सवर्थ माउंटेन में है सेंटिनल रेंज, और सेंटिनल रेंज में आता है विन्सन मैसिव, ओके। सो आप जीत जाते हो तो थोड़े सेंटी भी होते हो ना, खुशी के आंसू भी आते हैं कुछ लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा एसोसिएशन आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट आ जाती है सेवेंथ इन द सेवन समिट्स, एंड द माउंटेन इज माउंट कॉजियोस्को। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, कॉजियोस्को। स्पेलिंग के हिसाब से मत जाना, वरना कॉसिस्को जैसा कुछ प्रोनाउंस करोगे। कॉजियोस्को माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं ये, और ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के अंदर। अब देखो, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे वो तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, लेकिन यहाँ पे ये हाईएस्ट पीक नहीं है, ये आती है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। और यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज माउंट कॉजियोस्को। कॉजियोस्को याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ भी बोल दीजिए, एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ वो यहाँ पे आएगा, और यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन भी आएगा। जब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड की, ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड में क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मेनिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया कोई कंट्री नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओनली। तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। फिर ऊपर, अब यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ देख लीजिए, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पापुआ न्यू गिनी। सो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया तस्मेनिया को आप मिला लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बनता है। सो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट कॉजियोस्को, ओके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो ओशियानिया में इतने सारे बाकी आइलैंड्स हैं वो कहाँ जाएंगे फिर, न्यूजीलैंड है, किरीबाती है, देयर आर सो मेनी आइलैंड्स, ओके। सो अब आपके लिए सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक तो मैंने बता दी माउंट कॉजियोस्को, लेकिन ओशिएनिया रीजन जो है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, रीजन है, इस पर पूरा एक वीडियो ले रखा है मैंने, कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा। ओशिएनिया रीजन की हाईएस्ट पीक आपको मुझे बतानी है। तो कई बार सेवन समिट्स देखे जाते हैं और कई बार एट समिट्स मान लिए जाते हैं, सेवन समिट ऑस्ट्रेलिया का और एट समिट ओशिएनिया का। ओशिएनिया का हिंट दे देती हूँ, इंडोनेशियन टेरिटरी में पड़ती है वो, क्योंकि जो इंडोनेशिया का वेस्ट पापुआ है ना, कहाँ दिखाएं हम आपको, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पड़ती है। इतना हिंट भी मैं दे देती हूँ, बिकॉज ये ओशिएनिया के अंडर में आता है। वैसे तो इंडोनेशिया में पॉलिटिकली आता है, लेकिन ज्योग्राफिकली ओशिएनिया का पार्ट है। तो जो आपको माउंटेन पीक बतानी है ओशिएनिया रीजन की, वो ओशिएनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। जल्दी से कमेंट करो, नाम दिखो। चलो तो हम आ जाते हैं माउंट कॉजियोस्को पे, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट है।
एंड 2 to 28 मीटर्स न्यू साउथ वेल्स टेरिटरी में लाइक करती है और इसकी पेरेंट रेंज है स्नोई माउंटेन्स इन दी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स. सो विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन विद दी 7 summits. जल्दी से वर्ल्ड मैप इनकी लोकेशन देख लेते हैं. सबसे पहले ये रहा हमारा, ये होना चाहिए, ये क्यों दिखा रखा है इन्होंने, ये रहा माउंट एवरेस्ट. ओके, उसके बाद में एशिया में माउंट एवरेस्ट हो गया, यूरोप में माउंट एल्ब्रस हो गया, अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो हमने पढ़ा हाईएस्ट, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकेनली, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट अकोंकागुआ. ओके, अगर हम बोले फ्री स्टैंडिंग माउंटेन पीक हाईएस्ट तो कौन सी है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की. अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक तो माउंट एवरेस्ट. अगर मैं बोलूँ एशिया के बाहर सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है तो अकोंकागुआ. वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हाईएस्ट पीक अकोंकागुआ. और क्या बोले, बस ठीक है, चलिए. सो नाउ मूविंग ओवर टू द 14 8000, यानी कि 14 ऐसी माउंटेन पीक्स जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर्स या उससे ज़्यादा है अबव द सी लेवल. और ये जितनी भी 14 माउंटेन पीक्स हैं ये या तो हिमालयाज में आती हैं या काराकोरम में आती हैं. इन 14 में से 4 तो काराकोरम रेंज में पड़ती हैं और 10 हिमालयन रेंज में पड़ती हैं. ठीक है, कौन सी है वो माउंटेन पीक्स जल्दी से पढ़ लेते हैं. ये रैंक वाइज अरेंज्ड हैं, टॉलेस्ट टू कंपेरेटिवली शॉर्टेस्ट, मतलब सब हैं तो 8000 से ऊँची ही, लेकिन उनमें भी सबसे पहले आती है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की नंबर वन पीक 8848.86 मीटर्स. दूसरे नंबर पे आती है K2, थर्ड इज कंचनजंगा, फोर्थ इज लोत्से, देन मकालू, चो ओयू, धौलागिरी, मानसलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा. ये टॉप 10 पीक्स हो गई वर्ल्ड की, सब एशिया में हैं. ठीक है, फिर 11 नंबर पे आती है गौशब्राम 1, फिर ब्रॉड पीक गौशब्राम 2 एंड शीशपंगमा. अब इसमें से देख लीजिए कि K2, देन गौशब्रम 1, ब्रॉड पीक और गौशब्रम 2, ये चार हैं जो कि काराकोरम रेंज में पड़ती हैं, बाकी सब हिमालयन रेंजेस में ही आती हैं. ऑलराइट, अब ये तीन तो आई थिंक आपको अलग से याद करवाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए. एक बार इनकी लोकेशन भी दिखा देते हैं. ये रही लोकेशन, ये देखो, ये पूरे हिमालयाज और यहाँ पे ये काराकोरम रेंज शो हो रही है. सो ये जो चार पीक्स आपको दिख रही हैं, K2, ब्रॉड पीक, गौशब्रम एंड गौशब्रम 1 एंड 2, ये चारों हैं काराकोरम की, और उसके अलावा जितनी भी आपको ये दिख रही हैं ये सब हिमालयन रेंजेस की हैं. अब लाइक आई वॉज सेइंग कि ये जो टॉप 3 हैं, आई थिंक ये तो आपको याद होनी भी चाहिए, इतनी बार हम स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं, आई थिंक 5th-6th क्लास से चालू हो जाते हैं. हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, माउंट एवरेस्ट, ये पता होगा. सो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हिमालयाज में पड़ता है. नंबर 2 पे आती है K2. अब K2 के बारे में देख लीजिए कि अगर आप इंडियन साइड ऑफ मैप की बात करें तो ये इंडिया में आती है, अगर आप पाकिस्तान साइड ऑफ मैप की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में आती है. लेकिन क्योंकि हम इंडिया साइड ऑफ मैप की बात करेंगे, हमें इंडिया से रिलेटेड एग्जाम देने हैं, हमारा जो मैप है इंडिया का वो भी यही बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कि जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ ये K2 पड़ती है और ये काराकोरम में आती है. ठीक है, सो अगर हम इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करेंगे फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी तो K2 है, कोई झगड़े वगड़े की बात नहीं इसमें. अगर पाकिस्तानी बच्चे भी देख रहे हैं तो आप अपने देश में जब एग्जाम दोगे तो आपके देश के हिसाब से आपका आंसर वेरी हो सकता है, लेकिन हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, K2 है. कहाँ पड़ती है, काराकोरम रेंज में पड़ती है. ओके, थर्ड नंबर की, ये सेकेंड हो गया है ना, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी की, डिस्प्यूटेड आपकी पाकिस्तान की साइड से हो या अपनी इंडिया की साइड से हो, ये डिस्प्यूटेड है, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी की सबसे ऊंची रेंज जो है वो है K2. अनडिस्प्यूटेड इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती है. ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड या अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट, ऐसे याद रख लीजिएगा. नाउ अब ये जो रेंजेस है ना, लोत्से, मकालू, सोएन एंड सोफोर्थ, ये आपको याद करनी पड़ सकती है. सो वो अभी हम कर लेंगे. चलो लोकेशन भी देख ली. अब आ जाइए 10 हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, उन्हीं 14 में से टॉप 10 हमने ले ली हैं. सो ये देखो, एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा, ये तो हमको याद है, एवरेस्ट हिमालयाज में, कंचनजंगा हिमालयाज में, और ये काराकोरम में है. अब ये जो K2 है ये भी
जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके और तिब्बत जो चाइना वाला हिस्सा है उसके बॉर्डर एरिया पे ही पड़ती है, इसलिए हमने पीओके और चाइना लिखा है। एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ती है और जो कंचनजंगा है वो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ती है। बॉर्डर्स बॉर्डर्स पे ये सारा खेल चल रहा है, ठीक है। अब ये जो हमें याद करनी है इसकी छोटी सी एक ट्रिक टेक्निक है वो मैं दे देती हूँ, सो आपको ईजी हो जाएगा याद करना। तो लोधसे मकालू चोयू धौलागिरी मानसलू नंगा पर्वत अन्नपूर्णा, ये रेंजेस हमको याद करनी है। सो अब देख लीजिए कि एक ऐसा सीन बना लीजिए, आपकी मामा, मैंने पहले भी एक बार ये बताई है जब आपने अगर हिमालयन रेंजेस मेरे साथ में पढ़ा होगा, कि आपकी मामा टीवी देख रही है, सीरियल वीरियल देख रही है और आपको ज्योग्राफी की पढ़ाई करनी है, तो आप एक सीडी लेकर के आते हो और मामा से बोलते हो लो मा सीडी। ये पूरा सीन देख लोगे तो ट्रिक टेक्निक अपने आप याद हो जाएगी, लो मा सीडी। मामा ना कर देती है, नहीं मेरा सीरियल चल रहा है, मैं कोई सीडी वीडी नहीं लगा रही हूँ, और आप गुस्से में अन्नवन छोड़ के बैठ जाते हो, फिर पड़ती पिटाई, ठीक है। सो सीन कैसा है, मामा टीवी देख रही है, वो सब ट्रिक का पार्ट नहीं है, सिर्फ सीन क्रिएशन के लिए मैंने बताया। लो मा सीडी, माँ ने मना कर दिया और आपने अन्न छोड़ दिया और फिर पिटाई पड़ रही है, वो एडिशनल देख लेना। सो लो मा सी डी, लो से लोधसे हो जाएगा, माँ से मकालू, सी से चो ओयू, डी से धौलागिरी। ये थोड़े बहुत मुंह पे चढ़े हुए तो है ही, आपको सिर्फ छोटी सी टेक्निक की जरूरत है, ट्रिक की जरूरत है। फिर माँ ने क्या किया था, माँ ने म ना किया था, माँ से मनसलू, ना से नंगा पर्वत, और आपने अन्न छोड़ दिया तो अन्नपूर्णा, और फिर पढ़ाई फिर पढ़ी मजेदार पिटाई, ठीक है। सो ये टेक्निक से आप टॉप 10 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड याद रख सकते हैं। ये सारी की सारी जो आपने देखी हैं सब हिमालयन रेंज में पड़ती हैं, इनमें से कुछ नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे पड़ेंगी, कुछ प्योरली नेपाल में, कुछ पीओके में हैं, ये आप यहाँ से टेबल से देख सकते हो। सो विद दिस वी आर डन विद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मेजर माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंटेन रेंजेस की क्लास हम अलग से लेकर के आएंगे जिसमें वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हम कवर करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसका PDF आपको parchamclasses.in से मिल सकता है अगर आप लेना चाहें तो, वरना आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, वेल एंड गुड। और जो परचम ऐप है उस पर 3 चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। पहली एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए रोज़ वो ये है डेली रिविजन टेस्ट। जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका एक शॉर्ट रिवीजन टेस्ट वहाँ दिया जाता है, जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हो, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। उसके अलावा एक PDF बैंक सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन वहाँ पे है कि जितने भी PDFs हैं पुराने और अगले एक साल तक के, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ले सकते हो एट हाईली अफोर्डेबल रेट्स। और दूसरा है मंथली करंट अफेयर 2020, 2021 के मिड तक हम पहुँच चुके हैं, सो 2020 के वीडियोस और एक एक PDF आपको न लेना पड़े, तो उन सभी वीडियोस और PDFs को हमने क्लब कर दिया है और हाईली अफोर्डेबल रेट्स पे ऐप के ऊपर दे दिया है, ताकि आपको एक एक PDF जाकर के न लेना पड़े। सो आप चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये तो मैं रेकमेंड करूँगी, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई एवरीबडी ऑफ यू। सो विद दिस आई रियली होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखेगा, तबीयत का, खुद का भी एंड अपने पेरेंट्स का भी। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।